आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस दिन सुबह से ही सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। एक तो बारिश के चलते मैं काम पर नहीं जा पाया, ऊपर से पूरे गांव में बिजली का नामो निशान तक नहीं था, और मौसम का तो ये हाल था कि दिन है या रात घड़ी देखे बिना बता पाना मुमकिन नहीं था। चारों तरफ सिर्फ पानी और पानी ही नजर आ रहा था। घर पर मैं अकेला था। दरअसल बीवी बच्चों को लेकर अपने मायके गई हुई थी। खैर, पलंग पर बैठे बैठे मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, क्योंकि ये करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, और पिछले 2-3 घंटों से मैं यही कर रहा हूँ। अभी मैं खिड़की से बाहर देख ही रहा था, उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन होगा इस वक्त, यही सोचते हुए मैं पलंग पर से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो पाया कि सामने दूध वाले का बेटा खड़ा है। मैंने उससे चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ छोटू, पापा कहाँ हैं? इस पर छोटू ने जवाब दिया, वो क्या है कि पापा की तबीयत खराब है। तो इस पर मैं बोला, ओ अगर रात बिरात मेरी जरूरत पड़े तो बस एक फ़ोन कर देना, मैं पहुँच जाऊँगा। इतना बोलकर मैंने छोटू से दूध लिया और दूध को किचन में रखकर वापस अपने कमरे में आकर बैठ गया। दरअसल मैंने छोटू को ऐसा इसलिए बोला क्योंकि एक वक्त पर छोटू के पिताजी ने मेरी बहुत मदद करी थी। खैर, घड़ी में वक्त देखा तो शाम के 6:30 बज रहे थे। बारिश थोड़ी हल्की हुई थी, बंद नहीं। मन किया एक कप चाय पिया जाए, लिहाजा मैं किचन में गया और चाय बनाने लगा। चाय बनते ही मैं कप लेकर अपने कमरे में आ गया। बाहर अब पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था, एकदम घना अंधेरा जिसमें हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो। खैर, कुछ ही घंटों में रात हो गई। लाइट का अभी तक कोई अता पता नहीं था। घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। चारों तरफ घुप अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि घर के भीतर मैंने एक मोमबत्ती जला रखी थी, मगर वो काफ़ी नहीं थी। अब ऐसे में खाना बनाना तो नहीं हो सकता था, तो मैंने सोचा कि आज भूखा ही सो जाऊंगा। वैसे भी एक वक्त का खाना नहीं खाने पर कोई नहीं मरता, लिहाजा मैं आराम से बिस्तर पर लेट गया। और कमाल की बात तो ये थी कि बहुत जल्द ही मुझे नींद भी आ गई। पता नहीं कितनी देर सोया रहा, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरा फ़ोन बज रहा था। मैंने आंख मीचते हुए अपना फ़ोन देखा तो दूध वाले छोटू के पिताजी का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से छोटू बोला, चाचा चाचा, पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, आप जरा आ जाइए ना। इस पर मैं बोला, हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, तुम घबराओ मत। इतना बोलकर मैंने फ़ोन रखा और दरवाजे पर ताला मारने के बाद साइकिल लेकर निकल पड़ा। रास्ते पर जितनी खामोशी थी उतना ही अंधेरा भी था। वो तो अच्छा हुआ कि निकलते वक्त मैंने एक टॉर्च रख लिया था। खैर, धीरे धीरे साइकिल चलाकर मैं आगे बढ़े जा रहा था। उस घुप अंधेरे में टॉर्च की रोशनी कुछ हद तक ही मुझे रास्ता दिखा पा रही थी। खैर, 2-3 बार कीचड़ में फंसने के बाद जैसे तैसे मैं छोटू के घर पहुंचा। उसके पिताजी को बहुत तेज बुखार था। तभी मैंने छोटू से पूछा, डॉक्टर को बुलाया तुमने? इस पर छोटू बोला, नहीं, डॉक्टर त्रिवेदी को फ़ोन किया था, मगर इस कीचड़ में वो आने को तैयार ही नहीं है। इस पर मैं बोला, रुको मैं लेकर आता हूँ डॉक्टर त्रिवेदी को। फिर मैं साइकिल लेकर डॉक्टर त्रिवेदी के घर पहुँचा। पहले तो उन्होंने मेरे साथ जाने के लिए साफ मना कर दिया,
मगर बहुत बार हाथ पैर जोड़ने के बाद वो तैयार हो गए। फिर मैं उन्हें अपनी साइकिल पर बिठाकर छोटू के घर ले आया। उन्होंने छोटू के पिताजी को कुछ दवाइयाँ खिलाई और फिर बोले, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा, चलो मुझे घर छोड़ दो। फिर मैंने डॉक्टर साहब को अपनी साइकिल पर बिठाकर उन्हें घर छोड़ दिया। मगर मैं जब डॉक्टर साहब को छोड़कर वापस लौट रहा था, तब उन्होंने मुझे टोकते हुए कहा, संभल कर जाना, ये रास्ता अच्छा नहीं है। मैंने उनकी बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और साइकिल लेकर सीधे बढ़ने लगा। रास्ता एकदम सुनसान था, जिस पर मेरा ध्यान अभी गया, क्योंकि भागा दौड़ी के दौरान मैंने इन सब चीज़ों पर उतना गौर ही नहीं किया था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी साइकिल की टायर पर कुछ फंस रहा हो। मैं साइकिल रोककर पीछे मुड़ा तो पाया कि साइकिल के पिछले चक्के में किसी के बाल फंसे हुए हैं। देखने से तो वो बाल किसी औरत के लग रहे थे। खैर, मैंने उतना तवज्जो नहीं दिया और चुपचाप साइकिल लेकर आगे बढ़ने लगा। मगर पता नहीं क्यों अब मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा था, अंदर ही अंदर घुटन सी होने लगी थी। खैर, मैं साइकिल चलाकर सीधे अपने घर पहुंचा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश फाकता हो गए, क्योंकि मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मगर मुझे अच्छे से याद है कि निकलते वक्त मैं ताला मारकर निकला था। एक पल को तो मैंने सोचा कहीं घर में चोरी तो नहीं हो गई, मगर दूसरे ही पल मैं जब घर में दाखिल हुआ तब मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि घर के भीतर मेरे कमरे में मेरी पत्नी बैठी हुई थी। मैंने चौंकते हुए अपनी पत्नी से पूछा, तुम अभी कैसे आई और बच्चे कहाँ हैं? इस पर मेरी पत्नी ने जवाब दिया, अरे वो ट्रेन लेट थी और बच्चों को माँ ने कुछ दिनों के लिए अपने पास ही में रख लिया। इस पर मैं बोला, अच्छा ठीक है, पर मुझे बोल दिया होता मैं आ जाता स्टेशन। फिर हम दोनों पलंग पर ही लेट गए, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। अभी मैं सोने की नाकाम कोशिश कर ही रहा था कि तभी कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैंने आँख खोलकर देखा तो मेरी पत्नी पलंग पर से उठकर कहीं जा रही थी। मैंने कुछ बोला नहीं, बस उसे देखता रहा। मैंने देखा कि मेरी पत्नी घर के मेन दरवाजे से होकर बाहर चली गई। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर इतनी रात गए ये बाहर क्यों जा रही है। मैं भी झटपट बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और दबे पैर घर से बाहर निकल गया तो मेरी पत्नी उस ओर जा रही थी जिधर से अभी थोड़ी देर पहले मैं लौटा था। जहन में उमड़ते सवालों को लेकर मैं अपनी पत्नी के पीछे पीछे चले जा रहा था। मैं उसे आवाज़ नहीं दे रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर वो जा कहाँ रही है। चलते वक्त मैंने एक बात पर गौर किया कि मेरी पत्नी बहुत लंबे लंबे कदम उठा रही है, जैसे उसे कहीं पहुँचने की जल्दी हो। चलते चलते अब मेरी पत्नी और मैं उस जगह पर पहुँच चुके थे जहाँ डॉक्टर साहब को छोड़कर आते वक्त रास्ते में मेरी साइकिल के पिछले चक्के में किसी औरत का बाल फंस गया था। तभी मेरी पत्नी रास्ते के किनारे वाले जंगलों में घुस गई, मैं भी उसके पीछे पीछे गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी जंगलों में और अंदर जा रही है। बिना किसी अगर मगर के मैं भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। तभी मुझे मेरे से थोड़ी दूरी पर एक बड़े से पेड़ के ऊपर दो चार औरतें बैठी दिखी। उन औरतों का चेहरा इतना भयानक था कि मेरे बढ़ते कदम अपने आप ही रुक गए। मैं एक पेड़ के पीछे छिपकर अपनी पत्नी को देखने लगा। मेरी पत्नी पेड़ के पास गई
और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर मेरा पूरा बदन कांप गया। मेरी पत्नी उस पेड़ पर चलकर उन बाकी औरतों के पास जाकर बैठ गई। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, भला कोई इंसान पेड़ पर कैसे चल सकता है। मगर दूसरे ही पल जब मैंने अपनी पत्नी का चेहरा देखा तो मुझे सारा मामला समझ आ गया, क्योंकि अब उस औरत का चेहरा पूरा बदल चुका था। वो मेरी पत्नी नहीं बल्कि कोई और थी। उसका भी चेहरा एकदम भयानक हो गया था। उन सभी औरतों के खुले लंबे बाल इतने घने और लंबे थे कि पेड़ के ऊपर से नीचे जमीन तक आ रहे थे। मैं डर गया और इस कदर डर गया कि मैं अपने पैर तलक उठा नहीं पा रहा था। मगर फिर भी जैसे तैसे मैं वहां से निकला और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले अपनी पत्नी को फोन किया, तब उसने बताया कि वो अपने मायके में है। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह जब मैंने इस बात का जिक्र गांव के पंडित जी से किया, तब उन्होंने बताया कि दरअसल वो औरत एक डायन थी जिसका बाल मेरी साइकिल के चक्के में फंस गया था। डायन के बालों में ही उसकी जान बसती है, इसलिए वो मेरी पत्नी का रूप लेकर मेरी साइकिल के चक्के से अपना बाल छुड़ाने आई थी, क्योंकि डायन अपने बालों को इधर उधर नहीं छोड़ती। और उस पेड़ पर बैठी बाकी औरतें भी डायन थी। पंडित जी से ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया, मगर मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो बाल मेरी साइकिल के चक्के में फंसा कैसे। खैर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।